हेलो हेलो लोनो वेलकमैथ एंड बैक विद न्यू लेसन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रविलेज़ अब पार्लियामेंट्री प्रिवेज़ क्या होते हैं इसके बारे में सब चीज़ें इसके अंदर जो है डिस्कस कर लेंगे ठीक है देखो प्रविलेज़ क्या होते हैं प्रविलेज ऐसे रइट्स होते हैं स्पेशल होते हैं इम्यूनिटीज़ होती हैं एग्जिबंस होती हैं जो कि आम इंसान इन्जॉय uh, नहीं करता राइट right. सो so, ये होता है जो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है इनके मेम्बर्स के लिए कमिटीज़ के लिए राइट right? अब ये क्यों होता है इनकी ज़रूरत क्यों होती है ये इसलिए होती है क्योंकि वो लेजिसलेचर्स हैं ना एक्चुअली दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी कुछ अथॉरिटी है डिग्निटी है ऑनर है उसको मेंटेन करने के लिए ये uh, जरूरी होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, जो उन्हें स्पेशल बनाती हैं तो दीज आर द प्रिवेलेज जो उनको अलग बनाती है फ्रॉम दी अदर सिटीजन ऑफ द नेशन ओके और ये बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये डिसक्रमिनेशन है नहीं बिल्कुल नहीं दिस इज़ एक्चुअली असटी नेसेसटी कंडीशन है तो ताकि वो अपनी पार्लियामेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकें ओके okay. अब इसके अंदर जो ये जो पार्लियामेंट्री प्रविज़ हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दिए जाते हैं बेसिकली ये कहा जाता है कि जो जो मेम्बर पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में और जो सिटिंग कर सकते हैं उनको भी पार्लियामेंट्री प्रिवेज दिए जाएंगे लेकिन एक बात है ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो प्रेजिडेंट तक एक्सटेंड नहीं होते हालांकि वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का येस प्रेजिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट लेकिन वहाँ तक नहीं जाते क्योंकि पार्लियामेंट क्योंकि प्रेजिडेंट कुछ वो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाता है फिर ठीक है देखिए दो तरीके समझे इसको एक तो होता है वो प्रिवेलेज uh, जो कलेक्टिवली पार्लियामेंट इन्जॉय uh, करते हैं और एक होता है जो हर मेंबर इंडिविजुअली इन्जॉय करते हैं राइट अब एक होता है जैसे आज हो है पार्लियामेंट के जैसे कलेक्टिव देखें हम पहले कौन कौन से कलेक्टिव प्रोविलजेस हो सकते हैं जैसे कि राइट टू पब्लिश हिस्स रिपोर्ट्स डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग ये uh, ये पार्लियामेंट का खुद का सोल uh, प्रोपाइटरशिप uh, बोल सकते हैं सोल राइट right हो सकता है कि वो अपनी रिपोर्ट डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स को uh, क्या कर सकते हैं पब्लिश कर सकते हैं और इनके पास राइट भी है कि वो अदर्स यानी कि अदर न्यूज़ एजेंसीज हो सकती हैं जर्नलिस्ट हो सकते हैं उनको प्रोहिबिट कर सकते हैं फॉर पब्लिशिंग द सेम रिपोर्ट डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स लेकिन देखो फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ इसको मैंने अच्छे से समझा हुआ है ठीक है उसको देखना ये बेसिकली uh, इसने रिस्टोर कर दी फ्रीडम ऑफ प्रेस कि वो पब्लिश कर सकते हैं कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को लेकिन ये लिमिटेड है कहाँ तक सीक्रेट सिटिंग तक अगर कहा उसमें सीक्रेट सिटिंग होती है तो पार्लियामेंट इसको प्रोहिबिट कर सकती हैं फॉर दैम ओके सेकेंड इट फ्रॉम इट्स फ्रामिंग एंड हॉल सीक्रेट मीटिंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट मैटर्स सेम चीज़ है ना मना कर सकते हैं किसी को बैठने के लिए सीक्रेट सीटिंग की जब हम बात करते हैं ये रूल्स बना सकते हैं टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस तभी तो होते हैं पार्लियामेंट रूल्स लोकसभा के अलग रूल्स होते हैं राज्यसभा के अलग रूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर हाउस भी बनाता है पार्लियामेंट जो है वो दोनों हाउसेस वो किसी भी मेंबर को या फिर आउटसाइडर को प्रिविलेज़ के ब्रीच के कंटेम्प्ट में पनिश कर सकते हैं इम्प्रिजन भी कर सकते हैं ठीक है इसका एक एग्जाम्पल हूँ आपको आ, जो हमारी सिक्स लोकसभा थी जिसके अंदर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी 1977 में उस टाइम पे प्रधानमंत्री पद पर उस टाइम पर इंदिरा गांधी के होते हुए भी उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था और एक हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया गया था फॉर दी uh, ब्रिचि ब्रीच ऑफ दिस प्रिवेलेज ओके जो कि बाद में आ, जो नेक्स्ट लोकसभा सेवंथ लोकसभा उसने उसको कैंसिल कर दिया गया एंड उसको कहा गया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था सेम केस होता है नाइन्टीन uh, नाइन्टी में के के तिवारी जो कि राज्यसभा ने उनको रेपरी बाड पर रखा था फॉर द ब्रीचिंग ऑफ द प्रिवेजेस ऑफ द हाउसेज है ना राज्यसभा में सो so, इस तरह के केसेज हुए हैं

बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो मोर थियोरटिकल देन द प्रैक्टिकल नैक्स्ट है कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस बिना किसी लीगल मतलब विदाउट एनी लीगल प्रोसेस और बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के अरेस्ट नहीं किया जा सकता चाहे उस पर कोई भी केस लगाओ अब इंडिविजअुअल प्रविलेज की बात करें तो कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस को जो है अगर सेशन चालू है पार्लियामेंट का तो चालीस दिन पहले सेशन के चालू होने के चालीस दिन पहले एंड सेशन सेशन खत्म होने के चालीस दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ना लेकिन ये जो प्रविलेज uh, है वो सिर्फ सिविल केसेस में ही अवेलेबल है अगर क्रिमिनल केस है या प्रिवेंटिव डिटेंशन केस है उसमें ये वाला प्रविलेज अवेलेबल नहीं है है ना नेक्स्ट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच देखो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं है ना और वो किसी भी अपने इस इन स्टेटमेंट के लिए लाइबल नहीं होते हैं और उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकता उन पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती अगर उन्होंने कोई बात पार्लियामेंट के अंदर बोली है तो तो ये उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट है हालांकि एब्सोल्यूट इन हम वो उस सेंस रिलेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ मैं हालांकि उनको जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन है स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं और पार्लियामेंट का प्रोसीजर है उसको फॉलो करना रहता है उसके अंतर्गत ही यहाँ पर जो स्टेटमेंट देने होते हैं नेक्स्ट है ये ज्यूरी सर्विस से एग्जेम्प्टेड है है ना ये मनाही कर सकते हैं एविडेंस देने से एंड विटनेस uh, की तरह अपीयर होने में अगर कोई केस पेंडिंग है तो इन द कोर्ट जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तब सिर्फ ओके नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड जो ऑफ हाउस है वो क्या होता है देखो कोई भी इंडिविजुअल या अथॉरिटी अगर डिसरिगार्ड करती है अटैक करती है प्रिविलेज प्रिवेज पे राइट्स पर इम्यूनिटीज पे, पे चाहे वो मेंबर्स के इंडिविजुअली हो या हाउस का कलेक्टिव हो कलेक्टिव कैपेसिटी में तो इसको बोला जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और इट इज पनिशेबल हाउसेज ओके हालांकि ये दोनों वर्ड्स जो है ये दोनों जो फ्रेजे हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंटरचेंजेबल यूज होता है लेकिन इनकी इम्प्लीकेशन जो है वो डिफरेंट है जैसे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज़स का मतलब होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ लाइक वाइज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मे इंक्लूड द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस नहीं भी हो सकता है एंड कंटेम्प्टाउर वेज अ वाइडर इम्प्लीकेशन ठीक है कंटेम्प्ट की जो उसके अंदर आप बात करते हैं कि जो प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है वो हुआ कि नहीं हुआ कंटेम्प्टज़ अ ब्रॉडर टर्म इज़ अ वाइडर एम्प्लीकेशन ये समझ लीजिए कि अगर आपका कोई अगर किसी ने ब्रिच ऑफ प्रिविलिज़ नहीं किया है लेकिन ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसने कंटेम्प्ट कंटेम ऑफ द हाउस किया हुआ है है ना हालांकि कोई ब्रीच नहीं किया होता प्रिविलिज पर कंटेम्प्ट है जैसे कि मान लीजिए है हाउस है अब उसकी डिग्निटी और अथॉरिटी पे क्वेश्चन कोई करता है या अटैक कोई करता है ऑफेंस करता है उससे रिलेटेड तो वो कंटेम्प्ट कोर्ट हो सकता है ना कंटेम्प्ट हो सकता है सॉरी लेकिन वो किसी के प्रिविलिज का ब्रीच नहीं है ये बात है जैसे कि मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल है कि किस हाउस ने किसी को लेजिटिमेट ऑर्डर दिया और उसका आपने डिस कर दिया तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो नहीं हुआ बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन हाउस का कंटेम्प तो हुआ ना यस डेफिनेटली अब बात करते हैं जो सोर्सेज ऑफ द है आते कहां से इसके बेसिस क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में ये एक्सप्रेसली है दो तरीके के प्रिविलेज एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड सेकेंड है कि जो प्रोसीडिंग्स होती है उनका राइट ऑफ पब्लिकेशन ठीक है लेकिन फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट ने क्या किया ये जो अदर प्रिविलजेस थे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के इट्स कमिटीज एंड मेंबर्स से रिलेटेड जो पहले से अमेंडमेंट uh, आने के पहले से जो प्रजेस थे उसके एडिशनल uh, भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है बेसिकली ये ड्राइव कहाँ से करते हैं ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से ये ऐसे एक्चुअली ड्राइव करते हैं प्रविलिज़स ये वाले तो इसमें एक सोर्स ऑफ प्रविलिज़स ये भी है तो उसमें ये किया गया था नाइनटीन में डिफाइन कर दिया गया था ठीक है तो वर्बल चेंज किए गए थे बाकी जो कि ताकि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स उसका रिफरेंस ना लेना पड़े ठीक है हालांकि इम्प्लीकेशनस में कोई चेंज नहीं किया था बोलते हैं कि हमारा जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ से ये डायरेक्ट लिंकेजेस नहीं है है ना इस तरीके से हालांकि ये बात ज़रूर लिखने वाली है याद रखने वाली है कि अभी तक पार्लियामेंट में कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनाए गए टू कॉटिफाई ऑल द प्रविलेज है ना तो ये पांच सोर्सेज पे अवेलेबल होते हैं पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो मैंने आपको बताया उसके अलावा जो वेरियस लॉज पार्लियामेंट ने बनाए वो रूल्स ऑफ द बोथ द हाउसेज़ उसके अलावा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड जुडिशल इंटरप्रटेशन दीज आर द फाइव सोर्सेज एंड मोस्टली यही होता है किसी भी चीज़ की आपको इंटरप्रटेशन करनी हो तो यही पाँच निकल के आते हैं एक और एड कर लो एक जो केसेज वग़ैरह होते हैं वो अब ये लास्ट टॉपिक देख लो सॉवनिटी ऑफ़ द पार्लियामेंट इसी में आपको पढ़ जो है पढ़ा देता हूँ मैं देखो सॉविनेटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या है किस चीज़ से एसोसिएट है तो ये डॉक्ट्राइन जो है ना ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम एसोसिएट करते हैं सॉवनिटी होता है मतलब सुप्रीम पावर होती है अगर एक स्टेट के अंदर कोई बॉडी है जिसके पास सुप्रीम पावर है है ना तो वो बेसिकली उसकी सॉविनेिटी को सिम्बलाइज करती है तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ग्रेट ब्रिटेन में लाइज विद द पार्लियामेंट लाइज विद द पार्लियामेंट है ना सो देर आर नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन तो अगर ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने कुछ बोल दिया उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ध्वस्त कर सकती ना तो पार्लियामेंट की सॉर्निटी जो है वो पार्लियामेंट्री सुप्रीम एक आर्डिनल फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का लेकिन हमारे यहाँ पैसा नहीं है भी बताऊँगा कैसा तो एवीडाइसी इन्होंने ये ब्रिटिश जूरिस्ट था उन्होंने तीन इंप्लीकेशन बताएं इस प्रिंसिपल के पहला तो ये पार्लियामेंट जो है कुछ भी अमेंड कर सकती है सब्सटीट्यूट कर सकती है रिपील कर सकती किसी भी लॉ को ठीक है डी लॉ में ये आ, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट है उन्होंने कहा था द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सप एक्सेप्ट मेक अ मैन अ वमैन एंड मैन अ वमेन ठीक है बहुत पॉपुलर ये जो स्टेटमेंट है वो आपने सुना होगा काफ़ी बार है ना तो इसका डिलॉल में ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना उसके अलावा बात करते हैं द पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाई द सेम प्रोसीजर है ऑर्डिनरी लॉ ये भी बात आ, हमने की हुई है, है ना कि कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है या तो आप लॉ बना लो या फिर आप जो है पार्लियामेंट में कॉन्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लो इस तरीके से तो ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का ही एक एग्जाम्पल है सोवनिटी का सो पार्लियामेंट्री लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर इनवेलेड बाय द जुडिशरी एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अदर वर्ड्स वहाँ पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता कहाँ ब्रिटेन में ये बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन uh, क्या इंडिया में ऐसा है नहीं बिल्कुल नहीं इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिया जो है वहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर पार्लियामेंट सोवरन बॉडी नहीं है है ना आई मीन सोवरन है लेकिन इसका एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है उसकी अथॉरिटी है उसका जूरिस्ट्रिक्शन है उसके बाहर नहीं जा सकते वो उसके अंदर वो पूरा सवर्निज हो सकते हैं जिसकी बात हम करते हैं प्रविलीजेस वगैरह की नेक्स्ट देखेंगे अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन पार्लियामेंट के सोनिटी को रेस्ट्रिक्ट करती है लिमिट करती है यानी कि लिमिट कर देती है तो जब भी ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो इस तरीके से बनाना एक स्ट्रक्चर ठीक है और इस तरीके से आप वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो ये बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं ठीक है थीके? आंसर राइटिंग में जब भी आप करते हैं तो यहाँ पर एक देना रिटर्न नेचर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं है ना इस तरीके से सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो पहला हम देखते हैं इसके अंदर तो रिटर्न नेचर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ना कि हर हर चीज़ लिखी हुई है हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड है और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है ना है ना यहाँ पर डिफाइंड अथॉरिटी है डिफाइंड अथॉरिटी वहाँ पर कुछ भी बात होती है तो वो पार्लियामेंट के ही हक में होती है ठीक तो है आ, तो यहां पर तीनों जो ऑर्गन हैं यूनियन गवर्नमेंट के ठीक है तो वहां पर यहां पर जो है नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप है ना सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है सेपरेशन ऑफ पावर्स से। है लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आ, जैसे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड वहां पर लिखा हुआ नहीं है है ना इसलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए वाइड स्प्रेड और आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव है सब कुछ लिखा हुआ है हमने तो ये एक चीज जो है वो पार्लियामेंट की सोनिटी को लिमिट करती है सेकेंड है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया हुआ है पावर्स को हमने यूनियन एंड स्टेट के बीच में स्टेट की अलग लिस्ट है यूनियन की अलग लिस्ट है है ना पार्लियामेंट सब कुछ तो नहीं कर सकती है ना किसी चीज़ को लेकर के अगर करना चाहे तो कर ही सकती है फिर अगर गवर्नमेंट के पास वो हक है वो उतनी सीट्स है है ना लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं तो स्पेयर से इनको अलॉट किए गए हैं जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को भी अलॉट किए हैं आ, स्टेट्स को भी अलॉट किए हैं तभी फेडरल की बात करते हैं फेडरलिज्म की बात करते हैं राइट right? नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू कोई भी कानून अगर बनाती है देखो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना जुडिशियल और उसका बेसिक डॉक्ट्राइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर की एक डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं लेजिस्लेचर के ऊपर कि कोई कानून गलत तो नहीं बन रहा या फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन तो नहीं कर रहा है ना अगर वो करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर भी कर देते हैं है ना दूसरी तरफ बात करते हैं ब्रिटेन की तो वहाँ पर कोई भी जुडिशल रिव्यू का सिस्टम ही नहीं है सेम उसी तरह यू एस ए है। यूएसए में जुडिशल रिव्यू बहुत ही पावरफुल है सबने वहीं से डराइव किया है ठीक है तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड है इंडिया की भी सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत पावरफुल है नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स ये भी एक तरीके से पार्लियामेंट की ताकत को लिमिट करती है सोनिट को लिमिट करती है जिसके आर्टिकल थर्टीन हुआ है ना प्रोवि द स्टेट फ्रॉम मेकिंग अ लॉ जो कि टोटली एब्रोगेट करते फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना रूल ऑफ द लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते ब्रिटेन में ऐसा नहीं है ब्रिटेन में जो है देर इज नो चार्टर फॉर गारंटिंग द राइट्स देर इज मैक्सिमम लिबर्टी इन ब्रिटेन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ ठीक है हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को राइट right नहीं है बिल्कुल राइट right है लेकिन वहाँ पे चार्टर गारंटिंग हमें यहाँ पे है बिल्कुल डेफिनेटली हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो जो कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट आपको होता है अगर कोई लॉ आपका वायलेशन uh, करते हैं फंडामेंटल राइट का यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट्स एंड उनका सपोर्ट दे सकते हैं इस मैटर में हम बात करें तो अमेरिकन लेजिस्लेचर से इंडिया पार्लियामेंट जो है ज़्यादा नज़दीक हम पाते हैं यू एस ए में भी सोनेट कांग्रेस है वो जो कि लीगली रेस्ट्रिक्ट करती है उनका रिटर्न ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट जुडिशल रिव्यू एंड बिल्स ऑफ राइट्स यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है तो अगर हम पार्लियामेंट को कंपेयर करें तो हमारा ज़्यादा किससे क... क्लोज uh, है यूएसए की लेजिस्लेचर से जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस ठीक है तो ये था लेक्चर अब मुझे आप एक चीज़ बताओगे कि आपके स्टेट में जहाँ से भी आप हैं कोई भी सिटी से लेकिन आपके स्टेट में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं एंड राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं हाँ आप मुझे बताओगे ये आपको याद होना चाहिए ठीक है कॉमेंट सेक्शन में बताना पता चले कहाँ कहाँ तक ये हमारे जो लेक्चर से वो रहे हैं और जितना भी हो सके इसको शेयर करो अब ये एक छोटी सी टेबल है ये भी देख जाओ कि कितने ये लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम है तो सबसे पहले आप कहते हैं जो है हमारे गणेश वसुदेव मावलंकर है ना इनकी डेथ हो गई थी ये हमारे फर्स्ट स्पीकर है लोकसभा के फिर आते हैं अनंत अनंत संयनम अयंगार ठीक है अनंता अनंता उसके बाद यही इन्होंने ही कंटिन्यू किया था नाइन्टीन सिक्सटी टू तक हुकुम सिंह थे नीलम संजीवा रेड्डी गुरु गुरदियल सिंह डिल्ला उसके बाद इन्होंने ही फिर फिफ्थ टर्म भी Uh, क्या किया था कंटिन्यू कहता लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था फिर आते हैं आपके बालीराम भगत नीलम संजीवा रेड्डी के एस हेगड़े बलराम झाकर बलराम झाकर के दो टर्म्स थे इसके अलावा राबी रे शिवराज पाटिल पी ए सांगमा जी एम सी बालियोगी जी एम सी बालियोगी ने दो बार कंटिन्यू किया टू थाउजेंड टू में इनकी डेथ हो गई थी मनोज जोशी सोमनाथ चटर्जी मीरा कुमार फिर हम बात करते हैं सुमित्रा महाजन एंड ओम ओम बिरलाएँ ठीक है तो ये तो लेसन अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा ट्वेंटी थर्ड चैप्टर होगा विच इफ कै पार्लियामेंट्री कमिटीज ठीक है तो मिलते हैं अगले जब तक ट्यून्ड एंड हैव नाइस डे